डियर जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल टीम टैरोट। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में, और ओवरऑल आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी जा रही होगी, और फैब्री का मंथ भी आपका अच्छा गुजर रहा होगा। और 14 फैब के हवाले से भी आपकी अच्छी एनर्जीज होंगी, लेकिन 14 फैब की मैंने आपकी रीडिंग नहीं की, बट ये आपकी मिड मंथ की रीडिंग है फॉर योर लव लाइफ। लेट्स सी के मिड मंथ में इस टाइम पे आपकी क्या एनर्जीज है आपके लव लाइफ के हवाले से। मेरी वीडियोस को अपनी सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर करें। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्स, जेमिनाइज, और आपके अंडरनीथ में जो है वो मैजिशियन है। डेफिनेटली आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हो सकता है आप लैक ऑफ स्टेबिलिटी हो, अगर आप रिलेशनशिप के हवाले से देखें तो लैक ऑफ स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है, आप किसी चीज़ की का वेट कर रहे हैं आप, हो सकता है फाइनेंसेस में आपको थोड़ा मसला हो इस वक्त, आप देख समझ के आपको स्पेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो है फाइनेंसेस में हो सकता है आपको अभी आप वेटिंग पीरियड में हो, अगर कहीं से फाइनेंसेस आना है आपकी तरफ, मनी अगर कहीं से आना आने का इंतज़ार है आपको, तो अभी आप उस पर वेट करें, लेकिन आपको अपनी एक्सपेंसेस में भी थोड़ा कंट्रोल करना होगा। लेकिन यहाँ पे अगर रिलेशनशिप के हवाले से देखा जाए तो आप अपनी हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप इस वक्त कोई खुशी मना रहे हो, लेकिन ये कोई मैनिफेस्टेशन है, आपको चाहते हैं कि कोई खुशी आपकी लाइफ में आए, यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते हैं आप। पेंटिकल का कार्ड है तो आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं आप, और आप जो है सिक्योरिटी ही चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप की, और आपको लगता है कि ऐसा नहीं है आपकी लव लाइफ में, अगर जो भी पार्टनर है आपका, लव पार्टनर है या मैरिड पार्टनर जो भी है, उसके साथ आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, और आपका पर्सन जो है वो अपने इमोशंस को होल्ड करके रखता है, और आप इस नेगेटिव थॉट में आप जो है बिल्कुल बाउंड हो चुके हैं। जो भी आप सोच रहे हैं कि स्टेबिलिटी नहीं है, या आपके पर्सन जो है वो आपके ऊपर अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं करते, या फिर आप अपने एक्सप्रेशन को उस पर्सन के ऊपर शो नहीं कर रहे, तो ये आपको लगता है कि अगर आप समझते हैं कि आपका पर्सन नहीं शो करता, तो ये एक ऐसी थॉट है कि जो नहीं है, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में बाउंड हैं और आप रिस्ट्रिक्ट हुए हुए हैं, आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये लव रिलेशनशिप मैरिड रिलेशनशिप ज़्यादा हो, तो आपको लगता है कि आप जो अपनी स्टेबिलिटी का वेट ही करते रह जाएंगे, और आप क्या पर्सन जो अपने इमोशंस को शो नहीं करेगा, या आपकी स्टेबिलिटी जो है वो आपकी तरफ नहीं आ पाएगी, ऐसे ही आपकी सोच हो सकती है, और इसकी वजह से आपको लगता है आप बाउंड हैं इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे देखते हैं कि 7 ऑफ पेंटिकल क्या है, आप किस चीज़ की मैनिफेस्टेशन चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड, लाइक स्टेबिलिटी नहीं है, लॉट ऑफ पीपल हैं आपके अराउंड में, बहुत से लोग हैं, या बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर आप किसी पर्सन को प्रपोज करना चाहते हैं तो वो पर्सन जो है वो पर्सन उसके अराउंड में बहुत लोग हैं, या फिर फाइट और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर फाइटिंग है, कोई एंग्री एंगर है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है किसी का, जो कि आपको घर के हालात में, घर के मामलात में, अगर ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप, या फिर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस फाउंडेशन, इस रिलेशनशिप की बेस जो है, जो फाउंडेशन जिस बुनियाद पर रिलेशनशिप बना है, उसी से बहुत से लोग नहीं खुश, या फिर इस होम एंड फैमिली में कुछ फाइटिंग सिचुएशन है जिसकी वजह से आप इस स्टेबिलिटी में के हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में ही कुछ ऐसी चीज़ है जो कि गलत बुनियादों पर रखी गई है, जिसकी हो सकता है इस रिलेशनशिप से बहुत से लोग ना खुश हों, या फिर आपके अराउंड में जो लोग हैं वो आपके इस रिलेशनशिप से खुश ना हो। और देखते हैं कि ये 4 ऑफ पेंटिकल क्या है यहाँ पर।
फोर ऑफ पेंटिकल फॉर जेमिनाइज, प्लीज क्लियरिफाई दिस फोर ऑफ पेंटिकल फॉर जेमिनाइज। मून कार्ड कंफ्यूजन है आपको, आप तभी आपने होल्ड किया आगे बढ़ने में, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने में आपको कंफ्यूजन है। आप जो है बहुत सी बातें जो है, या तो आपने हिडन तरीके से अपनी अपने अंदर ही कुछ छुपा के रखा हुआ है, इस हवाले से आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, या फिर आपका पार्टनर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, उन्होंने वो कंफ्यूज है और वो आगे बढ़ने से खौफ ज़्यादा है, क्योंकि ये इनके थॉट हैं, ये माइंड की थॉट्स हैं कि अगर वो इस रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा नाकामी का सामना होगा, ये उनकी थॉट्स हैं। यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स देखते हैं कि क्या है। एट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं आपस में, गॉसिपिंग कर रहे हैं वो आपके हवाले से या पीछे से आपके आपके बारे में बातें करते हैं। एक और कार्ड लेते हैं एट ऑफ सोर्ड्स के। एट ऑफ सोर्ड्स के लिए फाइट बाई एट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, थ्री थ्री थ्री, डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी है, लोग इन्वॉल्व हैं, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके अराउंड के लोग भी हो सकते हैं, कोई दूसरा तीसरा पर्सन भी हो सकता है, लेकिन आप जो हैं लैक ऑफ स्टेबिलिटी है यहाँ पे, डेफिनेटली लोगों की वजह से आपको सेपरेशन का सामना करना पड़ रहा है अपने पार्टनर से, और आप एक बाउंडेज फील करते हैं इस रिलेशनशिप में, और आप अभी बिल्कुल रिलैक्सेशन मूड में हैं। अंडर अटैक आपके फोर ऑफ सोर्ड्स, तो आप बिल्कुल रिलैक्सेशन मूड में हैं कि आप कुछ भी जो है इस वक्त सोचना नहीं चाह रहे इस हवाले से, या फिर आप रिलैक्स होकर रहना चाहते हैं और किसी रिलेशनशिप में एंटर नहीं होना होना चाहते। लेकिन यहाँ पर मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि कोई बेस है इस रिलेशनशिप की जो शेक हो गई है इन लोगों की वजह से। आउटकम में फाइव ऑफ कप है आपके, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ेगा जेमिनाइज। किसी वाले से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी आपको, अपने पर्सन की तरफ से भी हो सकती है, और आपके अराउंड में जो लोग हैं जो इस रिलेशनशिप को पसंद नहीं कर रहे उनकी तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, या फिर इन लोगों की वजह से आपके पार्टनर जो है वो कन्फ्यूज़ हैं, अपने इमोशंस को आपको एक्सप्रेस नहीं कर रही, तो इसकी वजह से आपके पर्सन की तरफ से भी आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते। एक और कार्ड लेंगे यहाँ पर। कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन, सेवन ऑफ कप, तो जेमिनाइज, हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, इजीली सजिटेरियस, सो इस हवाले से आपको बहुत ज़्यादा सेपरेशन का सामना करना पड़ रहा है और कन्फ्यूजन है, डिसअपॉइंटमेंट है। हो सकता है फेब्रिक एंड तक कुछ एनर्जीज क्लियर हो जाए आपकी, लेकिन अभी डेफिनेटली तो आपको करंटली आपको बहुत सारे लॉसेस सेपरेशन का सामना करना पड़ेगा। सो जेमिनाइज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, मिड मंथ रीडिंग। होप इट्स रेजोनेट यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन द कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।